डभोई रेलवे स्टेशन पर केवड़िया के लिए रवाना की गई वैसी ट्रेन का आज राज्य के कृषि मंत्री जयद्रथसिंह परमार द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। डभोई रेलवे स्टेशन पर केवड़िया के लिए रवाना की गई वैसी ट्रेन का कृषि राज्य मंत्री जयद्रथसिंह परमार द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। डभोई रेलवे स्टेशन अति आधुनिक रूप से तैयार किया गया है, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केवड़िया तक जाने के लिए 6 राज्यों को जोड़ती वैसी 8 ट्रेन का वर्चुअल फ्लैग ऑफ करते हुए लोकार्पण किया गया, जहां डभोई से प्रतापनगर केवड़िया के लिए पहली मेमू ट्रेन का भव्य स्वागत सत्कार करते हुए डभोई नगर में ये मेमू ट्रेन ने आगमन किया था। इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री जयद्रथसिंह परमार खास उपस्थित रहते हुए ये प्रतापनगर से केवड़िया जाने के लिए दौड़ाई गई वैसी पहली मेमू ट्रेन का भव्य स्वागत सत्कार किया गया था। डभोई केवड़िया ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रारंभ करते हुए वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण करने के बाद आज प्रतापनगर से केवड़िया जाने के लिए मेमू ट्रेन का भी लोकार्पण किया गया था। जो ये मेमू ट्रेन डभोई रेलवे स्टेशन पर आगमन करने के साथ आज राज्य के मंत्री वैसे जयद्रथसिंह परमार ने ये मेमू ट्रेन का भव्य स्वागत सत्कार किया था। इस मौके पर प्रांत अधिकारी शिवानी गोयल, मामलतदार पूजा आर साहनी, डीडीओ वडोदरा जिला पंचायत सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे थे। तो साथ ही डभोई रेलवे स्टेशन पर मंत्री जयद्रथसिंह परमार के द्वारा आधुनिकीकरण किए गए वैसे रेलवे स्टेशन की तख्ती का भी अनावरण किया गया था। आज अपना गर्भावती नगरी में जे सुंदर कार्यक्रम नु आयोजन थयु छे, अपना रेलवे विभाग द्वारा आ कार्यक्रम नु जे आयोजन थयु छे, अने देशना अलग अलग खूणामांथी 8 जग्याएथी रेल कनेक्टिविटी आजे केवड़ियाने जारे मळी रही छे। केवड़िया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी एवुं स्थळ छे के जे आजे देशमां नहीं समग्र विश्वनी अंदर लोको एने जाणता थया छे, अने विश्वनुं सौथी ऊंची प्रतिमा एकतानुं प्रतीक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी એની સાથે જ્યારે રેલ કનેક્ટિવિટી આજે આખા દેશમાંથી આપણને મળી રહી છે ત્યારે આપણને સૌને આનંદ થાય। આપણા પૂર્વ મંત્રી સ્વર્ગસ્થ અરુણ જેટલીજી એમનું પણ જે સ્વપ્ન હતું આ વિસ્તારના ડેવલપમેન્ટમાં, ચાણોદના ડેવલપમેન્ટમાં, એને પણ આજે એમનું સ્વપ્ન પણ પૂરું થયું છે। ત્યારે આ તબક્કે જે આપણને આધુનિક ટ્રેન, એના આધુનિક કોચિસ જે આપણને આપ્યા છે, આ રેલ કનેક્ટિવિટી આપણને આપી છે, એ બદલ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર।